हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप बहुत ज़्यादा मज़े में हो गया। आज की ये वाली जो वीडियो है, ये इससे पहले मैंने अपलोड की थी पिछले साल अगस्त में अपने प्राइमरी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है हैप्पी औजला। और ये वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, 2 मिलियन के आसपास पहुँच चुकी है। और ये वाली वीडियो को इस वाले चैनल पर मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। इस वाली वीडियो के बाद सेकेंड पार्ट आएगा कल को, और ये 2 पार्ट्स देखने के बाद आप लोग मुझे बताना कैसे लगे आपको ये वाली वीडियोज़। अगर ये वाले वीडियोज़ आपको पसंद आएंगे तो होमलेस या गरीबी से रिलेटेड और वीडियोस में बनाऊंगा इस चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो जो है ये मैंने शूट की थी अगस्त में, और उस टाइम पे मेरे पास कोई भी अच्छा माइक वगैरह नहीं था, तो मैंने अपने फ़ोन के साथ शूट किया था। तो ऑडियो थोड़ी सी मैसी है इस वाली वीडियो में, तो प्लीज़ ऑडियो के लिए माफ़ कर देना। बाकी जो भी आप देखने के लिए आए हो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और जो कल मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो प्रॉपर वीडियो है, जहाँ पर मैंने होमलेस लॉस एंजलिस एरिया के आपको दिखाए हुए हैं। लॉस एंजलिस में मैं रहता हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट है मेरी। और अब आप देखो ये वाली वीडियो, और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे कर लो मुझे फॉलो, मेरी आईडी आई एम हैप्पी औजला। वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर या डीएम में बता सकते हो कि कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर कॉमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे बता देना कैसी लगी वीडियो और कौन से टॉपिक आप देखना चाहते हो इस चैनल पे। अब इंजॉय करो वीडियो। तो ये अपने तरीके की पहली वीडियो है जो मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। अगर इस वीडियो को ज़्यादा प्यार मिलेगा तो इस तरीके की काफ़ी और निकल जाने दो पहले भैया को। तो अगर इस तरीके की वीडियोस को आप प्यार दोगे तो इस तरीके की और आती रहेंगी। अभी मुझे नहीं पता, ये सिर्फ इकलौती वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि भाई यूएसए के बारे में बताओ, यूएसए के बारे में बताओ। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी चीज़ें जो यूएसए के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ कि यार, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही तगड़ा व्लॉग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मली, मुझे यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करनी नहीं आती है, ना मैं यहाँ पर कोई म्यूज़िक वगैरह डालने वाला हूँ। मैं बस अपने फ़ोन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको वो दिखाऊंगा जो मुझे लगता है अभी तक यूएसए के बारे में लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको यही बताते हैं कि वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स हैं या ऐसा कुछ है, बट ये कोई नहीं बताता कि वहाँ पे होमलेस भी हैं और वहाँ पे भी गरीबी है या यहाँ पे किस तरीके से काम चलता है। तो आज वो सब दिखाऊँगा, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ ये वाला व्लॉग। क्योंकि नॉर्मल बंदों वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बस से, कि यहाँ पे बस में ट्रैवल यहाँ पे इस तरीके का एक कार्ड होता है, जैसा हमें जो दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा, जो दिल्ली मेट्रो का कार्ड बनता है वैसे यहाँ पे भी मेट्रो चलती है और उसका नाम है टैप। और अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ, तो यहाँ पे 2 तरीके के बस स्टॉप है। एक तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, एक डंडा सा लगा होता है, इस पर बस का नंबर लगा होता है, आपको बस यहाँ पे वेट करना है, जब भी बस आएगी तो वो रुक जाएगी। और एक अगर मैं आपको दिखाऊँ वो बस को निकलना, तो ये जो यहाँ पे जो है, सॉरी ये वाला, ये जो है एक इस तरीके का बस स्टैंड होता है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले अभी मैं ये वाली बस का दिखा रहा हूँ। और मैं अभी बस का वेट कर रहा हूँ, कहीं जा रहे हैं अभी हम, तो वहाँ जाके बताऊंगा कि क्यों वहाँ लेके गया हूँ आपको। और अभी बस का वेट करूँ, जैसी बस आएगी तो एक बार दिखा दूंगा कि बस के अंदर जब आप एंटर करोगे तो टिकट किस तरीके से कटता है और क्या हिसाब होता है। तो बस अभी आ गई है, बस चलते हैं और टैप कार्ड लगाना। बस से अभी उतर गया हूँ, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है और रोज़ काम आती है। जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग देखा है उनको पता है, मैंने उसमें भी बताया था, बट ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है। तो अगर आपको इस तरफ से उस तरफ जाना है तो कैसे जाना है, तो आपको बस यहाँ पर ये वाला जो बटन है इसको दबा देना है, और यहाँ से इंडिकेशन हो जाएगा कि आपको रोड क्रॉस करनी है। और बिल्कुल सामने वहाँ पर एक इंडिकेटर है जहाँ पर जब वॉक का साइन होगा तभी आप चल सकते हो, जैसे अभी हो गया है। तो अभी इस टाइम पर सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, कोई भी आपको मार के नहीं जाएगा जो इंडिया में होता है। और यहाँ पे वैसे भी जो पहला हक होता है वो पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, जो पैदल होते हैं उनको पहला होता है। अगर आप क्रॉसिंग में से जा रहे हैं कहीं से तो पहला हक आपको होगा, गाड़ी को रुकना ही पड़ेगा। एक आपको पहले बस स्टॉप दिखा देता हूँ, दूसरा इस तरीके का होता है यहाँ पे, एक बार ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बेंच लगा होगा छोटा सा, बस ये है। और ऊपर आपको यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह आ रही है बस की इस टाइम पे। और अब अगर मैं स्ट्रीट पे चल ही रहा हूँ तो आपको गंदगी वाला जो मेरे को बोल रहे थे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, तो यहाँ पे भी वही है, आप देख सकते हो आगे भी सारा पड़ा हुआ है सामान। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता यार, यहाँ पे भी वही इंसान है, बस इंग्लिश बोलते हैं और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ मीडिया वही चीज़ों की फ़ोटो आपको दिखाती है जो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं मेन स्ट्रीट पर हूँ, और अगर आपको लगता है ये सफाई है अमेरिका की तो ठीक है, सफाई मान लेते हैं हम इसको। और अगर आप कहोगे कि क्या पता यार तू बेकार इलाके में हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे मैं कोरिया टाउन में हूँ, और इसके बाद मैं आपको डाउनटाउन लॉस एंजलिस लेके चलूँगा और वहाँ पे भी दिखा दूँगा। और ये सड़क के किनारे का हाल है, तो
मैं यार ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका बुरा है या कुछ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा साफ है, बट इतना नहीं है जितना लोगों ने इसको हाइप किया हुआ है कि यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है। पूरा एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी कि ये है वो है, पर जो भी है सच तो यही है। अब ये चीज़ें कोई बताता नहीं है तो मेरी क्या गलती है उसमें, है तो यहाँ पे भी वही ना। अगर ये वीडियो चल पड़ी तो फिर मैं बनाऊँगा यार जॉब्स वगैरह के बारे में, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार अमेरिका आ गए तो पेड़ लगा हुआ है जहाँ से आप पैसे तोड़ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देख लो अभी बंदा आ गया, आपको दिख रहा होगा ये होमलेस बंदा है जिसके पास घर नहीं है, तो ये लोग ऐसे सड़क के किनारे ही सोते हैं, ये तो शायद ही किसी ने आपको बताया। और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इस बारे में कि यहाँ पे भी होमलेस लोग होते हैं। आप देख सकते हो इसके पास एक छोटा सा बैग है जिसमें से कपड़े होंगे, और इसी तरीके से लोग सड़क के किनारे सोते हैं। और अब हमें जाना है उस साइड, तो वही बटन दबा देंगे हम यहाँ पे। तो अब बस इस वाले बस स्टॉप पे वेट करते हैं बस का। बस में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल जब आप आओगे तो बस में ट्रैवल करोगे तो पता होना चाहिए, पर ये जो है अगर आप इसको दबा के रखोगे तो ये आपको बता देगा नेक्स्ट बस कितने मिनट में आने वाली है, और जितना टाइम बताते हैं उतने मिनट में आ जाती है, लेट नहीं होती। अगर 5 बोलते तो 5 पे आ जाएगी। अगर अभी आप ये जो देख रहे हो स्क्रीन इस पर आ जाता है उनका नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, और जहाँ पे भी आपको करना है यहाँ पे ये जो बटन है, ये वाला जो बटन है स्टॉप बटन है, जिस भी स्टॉप पे आप करना है आप वहाँ पे दबा दो, आपके पास उस स्टॉप पे बस जाएगी चलाने के लिए। कई बार ये बटन होता है और यहाँ पे एक जगह पे चेन खींचते हैं पैसे से, और बस ड्राइवर उसको सिग्नल चले जाता है कि स्टॉप बंद करना है। डाउनटाउन में होता है लॉस एंजलिस के, ये कनॉट प्लेस होता है या सेक्टर 17 होता है जो मेन एकदम बीच में होता है सिटी के, वहाँ पे सारे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, तो उस जगह को कहा जाता है डाउनटाउन। और इस टाइम पे डाउनटाउन में मैं जा रहा हूँ, और आपको एक बार आसपास दिखाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहीं पर हैं। और ये वाली जो बिल्डिंग है, ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल बीच में, इसे कहा जाता है US बैंक टावर, और ये लॉस एंजलिस की सबसे ऊँची बिल्डिंग है अभी तक की, और सबसे ऊँचा ऑब्जर्वेशन डेक उसके ऊपर जाके शीशे का वो बना हुआ है, वहाँ से आप पूरी सिटी को देख सकते हो। वहाँ भी लेके चलेंगे किसी दिन, बट अभी के लिए जो आपको दिखाना है वो दिखाता हूँ। तो ये जो आप जितने भी ये देख रहे हो झोपड़ियाँ, ये सब में होमलेस लोग रहते हैं। अभी आप देखोगे आगे वो बंदा देख लो पानी भी डाल रहा है, तो ये सब किसी ना किसी का घर है ये जो झोपड़ियाँ हैं यहाँ पे। और ये डाउनटाउन है, आपको पीछे बिल्डिंग्स भी दिख रही होंगी। तो सबसे अमीर इलाकों में से एक एरिया है ये वाला, अगर यहाँ पे यह हाल है तो आप देख सकते हो कि बाकी US में क्या हाल होगा। मैं वेस्ट कोस्ट में रहता हूँ, ईस्ट कोस्ट की तरफ मैं कभी गया नहीं हूँ, न्यूयॉर्क वाली साइड तो उस साइड का मुझे नहीं पता, बट होमलेस तो सब जगह हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ये मेरी गारंटी है। और मैं बस अभी आपको यहाँ का सिर्फ ये तो एक मिनट दिखाया मैंने आपको, सिर्फ एक एरिया, अगर मैं अच्छे से घूमने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने ही दिखा दूँ आपको। तो जो लोग बोलते हैं कि यार वहाँ के तो गरीब भी इंडिया के मिडिल क्लास से अमीर होते हैं, तो अगर आपको लगता है ये लोग बहुत अमीर हैं तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। उस साइड जा ही रहा था तो मुझे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य दिख गया, और मैंने कहा एक बार और सफाई दिखा दूँ मैं अमेरिका की। हाँ जी, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा किसी को भी बुरा बोलने का कोई यहाँ पे एम नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रोज़ मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई US में ये होता है, US में वो होता है, इंडिया को फालतू में ही बुरा बोलते रहते हैं। मीडिया में यार या फेसबुक पर वही आता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बुरी चीज़ें कोई नहीं दिखाता यहाँ पे फेसबुक के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ आप सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कैसी लगी ये वाली वीडियो। अब इसी के साथ ये वाली वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया हैप्पी औजला को तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। जो भी सजेशंस होंगे इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा। सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं फॉलो किया तो कहीं पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।